हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एनएचपीसी के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग इसका रिजल्ट का वेट कर रहे थे और उसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एनएचपीसी ने बहुत सारे लोगों को मेल कर दिया है, बहुत सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की मांग की है, तो ये मेल सभी लोग आप चेक कर लीजिएगा। हर किसी को ये मेल आया नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कहना है, हालांकि ये चीज़ श्योर नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि जो लोग सिलेक्ट होने वाले हैं उन्हीं को ये मेल आया हुआ है, उन्हीं से मेल की रिक्वायरमेंट, उन्हीं से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की गई। क्या मेल आया हुआ है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आज के दिन ये मेल आया हुआ सबको अलग अलग टाइम पे, स्कैन कॉपी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन। डियर कैंडिडेट, इन रेफरेंस फॉर योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एनएचपीसी रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल। देखिए सिविल वालों के लिए है मेल है आपका, जो भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड होगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो भी होगा, उन्होंने बोला है कि यू देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द अबव डॉक्यूमेंट। ईमेल आईडी उन्होंने बोली कि 7 अक्टूबर से पहले आपको ये जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं उन्हें आपको स्कैन करके मेल करना होगा। देखिए अभी जो मेल मैंने दिखाया वो सिविल के लिए था, और ये देखिए ये मेल अभी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी मेल आ चुका है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मेल आ चुका है। तो जो भी कैंडिडेट्स ने इसका फॉर्म फिलअप किया था और जिनके अच्छे नंबर है, ऑलमोस्ट सभी लोग अपना जो भी है वो अपना मेल आई डी जरूर कर ले, जो भी रजिस्टर्ड मेल आई डी है उसे जरूर चेक कर ले, और जो भी डॉक्यूमेंट की मांग उन्होंने रिक्वायर्ड की, जैसे हर लोग के लिए अलग अलग, जैसे उन्होंने बोला कि एक कैंडिडेट से बोला गया कि डिप्लोमा की मार्कशीट मांगी है, ऑल सेमेस्टर की फाइल नेम भी उन्होंने बोला मेंशन करने को, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा है, तो हर किसी से एक अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया था, जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो जरूर अपनी मेल आईडी चेक कर ले, उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट एनएचपीसी के द्वारा की गई थी। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली साबित हुई होगी। जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगा मैं आप सभी लोग को सूचित कर दूंगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों इसके रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट।